नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS News। रामपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने DM को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्टरेट में एकत्र हुई और ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मुख्य सेविका पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करना स्वागत योग्य है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाए तथा ₹35,000 किया जाए, क्योंकि इतने कम मानदेय में घर का खर्च पूरा करना मुश्किल हो रहा है। सरकार समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिससे कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि अगर शीघ्र ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां उपस्थित रही। मेरा नाम मिथिला चौधरी है। किस विषय में? आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ, और आज हम यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय रामपुर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी विभिन्न समस्याएं हैं, बहुत लंबी समस्या अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि सरकार उसको इग्नोर कर रही है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इसलिए हम आज भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देने के लिए आए। कौन कौन सी मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें ₹35,000 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके आदेश के अनुसार जो एक कुशल श्रमिक होता है उसका जो बनता है उसी हिसाब से हमारा मानदेय दिया जाए, उसको लागू करें। और जो हमारे क्या नाम जो हमारी महीने पर दी रिटायर खाली हाथ कटोरा लेकर, उनके लिए कुछ ना कुछ एक मुश्त राशि दी जाए, जो पेंशन ग्रेच्युटी वगैरह दी जाए, और रिटायरमेंट की आयु जो केंद्र सरकार की लिखित रूप से जो दिया है 65 वर्ष, वो 65 वर्ष दी जाए, ना कि 62 वर्ष। कोरोना काल से सरकार ने 62 वर्ष में हमारी बहनों को रिटायर कर दिया है खाली हाथ। वो जाए तो जाए कहाँ, परिवार में भी उसका कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी सरकार से मांगे हैं, और हमारी जो अगर कोई परिवार में मृत्यु हो जाती है उसके एवज में भी कुछ कोई ना कोई लगाया जाए, परिवार से ही सदस्य लगे, उसको नौकरी दी जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। कहाँ से आए हैं? हम सब रामपुर जिले से हैं, अलग अलग ब्लॉकों से, और सभी लोग यहाँ पर रामपुर जिले। कितने लोग आए हैं? कितनी महिलाएं यहाँ पर? इस समय हम 30-35 लोग हैं।